द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस इन इंडिया जो इंडिया में अगर इसका सीन है सिक्सटीज से ही, ठीक है से ही, early 60's से अर्ली ही जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ये टॉपिक जो है इसको थोड़ा सा अटेंशन मिलता चला जा रहा है ठीक है और इसके लिए डिफरेंट सेमिनार्स भी हुए हैं डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स भी क्रिएट हुए हैं इंडिया में अगर इंडिया की बात करें तो न्यू दिल्ली में 1965 में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था ठीक है 1965 में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे जहां पे एक डिक्लेरेशन इश्यू हुआ था वे ऑन द कंक्लूजन ऑफ द सेमिनार विच डिफाइंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कस्टमर वर्कर्स शेयर होल्डर्स एंड कम्युनिटी एंड को रिलेटेड इट विद गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप ठीक है तो यहाँ पे जो है जो न्यू दिल्ली में 1965 में हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पे कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक डिक्लेरेशन इश्यू किया गया जिसमें बताया गया है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स उनका कस्टमर वर्कर शेयर होल्डर और कम्युनिटी ठीक है और इनको ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको फॉलो करे इसलिए इस कॉन्सेप्ट uh, में इस डिक्लेरेशन में जो है इसको गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप के साथ जो है मिक्स कर दिया गया इससे रिलेट कर दिया क्योंकि गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप को अगर आप रिलेट करोगे तो हमने एक्सपेक्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से निभाएगी ठीक है तो सिमिलर इसी तरीके का कुछ सिमिलर सेमिनार जो है कलकत्ता में भी हुआ नाइनटीन में ठीक है जहां पर अगेन डिस्कस किया गया कि जो मॉडर्न बिजनेस है ठीक है जो भी मॉडर्न बिजनेस हो रहे हैं वो किस तरीके से अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस तरीके से फॉर्म होगा वो किस तरीके से अपना परफॉर्म करेंगे तो इसके लिए हमने जो है डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह फॉर्म करा है ठीक है स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह फॉर्म हुए ठीक है इन्होंने जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया उन्होंने डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स बनाए उस स्टडी ग्रुप के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव थे और ये स्टडी ग्रुप किस लिए बनाया ताकि ये जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है वो एनालाइज वगैरह कर सके जैसे कि इकोनॉमिस्ट हो गए यहाँ पे डिफरेंट स्टडी ग्रुप में डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव थे ठीक है मतलब ऐसे लोग थे जो कि अपने फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट लोग हैं ऐसा लोग जो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो ऐसे लोग जो एनवायरमेंट वाले टॉपिक पे एक्सपर्ट हो ऐसे लोग जो कि बिजनेसमैन जिनको पता है कि बिजनेस कैसे चलाना है ऐसे लोग जो कि सोशियोलॉजिस्ट हो ऐसे लोग जो अकाउंट्स में अच्छे अकाउंट एंड मैनेजमेंट में तो इस तरीके से जो है स्टडी ग्रुप पे रिप्रेजेंटेटिव थे एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आते थे ठीक है एंड द स्टडी ग्रुप सजेस्टेड दैट द बिजनेस मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज अ ट्रस्टी तो इन्होंने ये बोला कि जैसे गांधी कॉन्सेप्ट ट्रस्टीशिप का तो एक ट्रस्टी की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल भी करना चाहिए ठीक है यानी कि जो भी बिजनेसमैन मैन है दे शुड प्रमोट सिविक कम्युनिटीज यानी कि सिवी कम्युनिटीज आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो उसमें सिविल कम्युनिटीज कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराओ उन लोगों के लिए जो कि आपको अराउंड रह रहे हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कराओ ऐसा चीज है ऐसा उनका फेयर वेजेस वगैरह उनको इस तरीके से दो कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेटर हो ठीक है आपके एरिया के लोगों का एजुकेशन बेटर हो उसके लिए आप स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो छोटे किंडर गार्डन स्कूल प्रोवाइड करा सकते हो क्रेच फेसिलिटीज ये सब प्रोवाइड करा सकते हो इसके अलावा यू शुड बी लॉ अबाइडिंग ऑल्सो ठीक है आपको एक तो लॉ को आपको फॉलो करना जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाए हैं उसको आपको फॉलो करना है टैक्स अगर पे करना सबको टैक्स वगैरह टाइम पे पे करो आप जो है किसी भी तरीके का करप्शन वगैरह कुछ ना करो ठीक है कुछ भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो है फालतू का मत करो और जो है सारा का सारा पैसा जो है एक तो अपने काम में लगाओ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम में लगाओ सो so, यहाँ पे स्टडी ग्रुप्स ने जो है डिफरेंट तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिए कि कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या क्या है कौन से कौन से और ये हमने पहले ही ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कस्टमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके स्टेक होल्डर के लिए क्या है ओनर के लिए क्या है गवर्नमेंट के लिए क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यही स्टडी ग्रुप स्टडी ग्रुप ने भी यही सब बताया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल होगा और वो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि एम्प्लॉय हर बंदे के लिए हर जो भी आपका स्टेक होल्डर है सबके लिए किस तरीके से आपका जो बिहेवियर है वो आपका आपको करना है ठीक है तो यहाँ पे आपके बुक्स पे डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एशियन पेंट्स हो गया जैसे तो उन्होंने एशियन पेंट्स का ही एग्जांपल लिया है इट अप्रोचेस कॉपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द परसपेक्टिव ऑफ बींग अस्पॉन्सिबल कॉपरेट सिटीजन ठीक है तो हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एशियन पेंट क्या अप्रोच uh, अपनाता है इट एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉपरेट सिटीजन ठीक है देर हैज बीन अ कंटीन्यूस एफर्ट टू टेक अप इनिशियेटिव इन वेरियस क्वार्टर एंड एंश्योर सफिशियंट रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सेम तो कंपनी ने जो है इस एशियन पेंट कंपनी ने क्या करा है इन्होंने आइडेंटिफाई किया है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है एक तो इन्होंने अक्रॉस ऑल इट्स मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इसके जहां जहां जिस जिस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है उन लोकेशंस में इन्होंने देखा कि हम क्या क्या हम कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ एक तो आप, हो गया आपका एजुकेशन फिर आपका हो गया हेल्थ केयर रेन हार्वेस्टिंग सो ऐसे डिफरेंट क्षेत्र में जो है इन लोगों ने एशियन पेंट्स कंपनी ने जो है बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आपका दिया है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेस का ठीक है इन्होंने क्या किया है इन्होंने एक सत्यम फाउंडेशन ही सेटअप किया है इट्स कॉल्ड सत्यम फाउंडेशन सत्यम कंपनी सत्यम फाउंडेशन जो है कंपनी का एक ऐसा आर्म है जिससे कि अपना सारा सी एस आर एक्टिविटीज जो है सत्यम फाउंडेशन के थ्रू ये लोग करते हैं जो भी अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में जो भी अंडर प्रिविलेज्ड अर्बन एरियाज में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबका समाधान ये लोग करते हैं इनका हेड ऑफिस पे है इनका हेड है, ऑफिस हैदराबाद में है ठीक है इनका ऑफिस है, है हैदराबाद में और ये जो फाउंडेशन है ये प्रोवाइड कर कराता है सर्विसेज इन एरियाज़ ऑफ़ एजुकेशन एजुकेशन हो गया हेल्थ केयर हो गया एनवायरमेंट हो गया रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हो गया एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह ये करवाती हैं ट्रॉमा सेंटर्स हैं इनके इसके अलावा स्लम डेवलपमेंट ये लोग कराते हैं ठीक है ठीके? तो ये सत्यम एन एन फाउंडेशन जो है एक इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन ही बन चुका है जो कि गवर्नमेंट के साथ भी काम करता है वेरियस एनजीओ के साथ भी काम कर सकता है करता है और डिफरेंट एक्टिविटीज ये लोग जो है वो करते रहते so, हैं ठीक है सो ऐसे डिफरेंट कंपनीज है यहाँ पे आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिए गए हैं और भी जैसे ग्लैक्स को स्मिथ क्लाइन फार्मा है इसके अलावा आईटीसी की अगर हम बात करें आईटीसी भी बहुत काम कर रही है इन सब सी एक्टिविटीज में तो अगर इंडिया की बात करें इंडिया में जो है ये खेल जो है ये जो, ये जो जो कम्युनिटी सोशल सीएसआर एक्टिविटीज और कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इसको अपने अकाउंट्स में वगैरह दिखाना चाहिए ये सारा सिक्सटीज के दौरान ही ये जो है स्टार्ट हुआ था ठीक है और आज के डेट में आप देखो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने अपना वो सोशल ऑडिटिंग वगैरह करते हैं प्रॉपर जो है अपने बैलेंस शीट में ये सारी चीजें दिखाते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने अपने तरीके से अपना अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करते हैं तो ये सब जो है ये सारे इनिशिएटिव जो है दे आर क्वाइट एनकरेजिंग एंड एस्टेब्लिश द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट अमंग द इंडियन बिजनेस यूनिट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है सो इसी के साथ जो है हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया है ये लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का अगर हम समरी करें तो अगर हम समरी करें तो हमने स्टार्टिंग में ही सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है ये सब देखा उसके डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होता है सोशल अकाउंटिंग क्या होता है अप्रोचेस एंड ऑडिट एंड फाइनली वी लर्न अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इन इंडिया ठीक है सो so इसी के साथ आपका ये यूनिट थ्री जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ये खत्म होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिया क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय